मिस्टर शर्मा, मेरे पास पिछले 7 वर्षों से अपने और अपने परिवार के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है और मैंने अभी तक कोई दावा नहीं किया है। अब मुझे अपने पिताजी जो 60 वर्षीय सेवानिवृत्त पेंशन भोगी हैं, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है। नकद रहित सुविधा के लिए तृतीय पक्ष प्रशासक से किया गया मेरा निवेदन तो स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इस सुविधा के लिए सिर्फ 20,000 रुपए की ही अनुमति क्यों दी गई, जबकि मैंने 40,000 रुपए की अनुमानित राशि के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा कराए थे। मुझे जरा एक मिनट दीजिए मिस्टर रंजन, आपकी पॉलिसी में मोतियाबिंदु के लिए 20,000 रुपए प्रति सर्जरी की उपसीमा है, इसलिए आपके दावे के राशि को सीमित रखा गया है। लेकिन पॉलिसी में तो ऐसा नहीं है शर्मा जी। श्रीमान, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन वर्तमान में यही शर्तें लागू है। मोहन, मैं निराश हूँ। तुमने तो बीमा कंपनियों से पहले व्यवहार करा है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पॉलिसी दस्तावेज में ये अनुच्छेद नहीं है। मोहन, मुझे तो ऐसी उपसीमा की कोई जानकारी नहीं थी। मुझे तो आशा थी कि बीमा कंपनी बिल जमा करने पर 20,000 रुपए की प्रतिपूर्ति करेगी। सुनो, पहले बीमा कंपनी के शिकायत कक्ष में शिकायत दर्ज कराओ। यदि 30 दिन के भीतर तुम्हें उनसे कोई जवाब नहीं मिलता है तो बीमा लोकपाल से संपर्क करो। मोहन, मैंने बीमाकर्ता से संपर्क किया, लेकिन कंपनी ने अपने निर्णय में संशोधन नहीं किया। तब मैं बीमा लोकपाल के पास गया, जिसने पाया कि मुझे वह विशिष्ट पॉलिसी अनुच्छेद नहीं दिया गया था। चूंकि मेरी पॉलिसी में पर्याप्त बीमित राशि थी और मुझे मोतियाबिंद की सर्जरी पर खर्च की सीमा की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए बीमा लोकपाल ने फैसला दिया कि मैं 40,000 रुपए की पूरी राशि का हकदार हूँ। याद रहे, बीमा लोकपाल इस तरह की शिकायतें लेता है और उनका निपटारा भी करता है। आप www.gbic.co.in या www.irda.gov.in से बीमा लोकपाल के बारे में अधिक विवरण पा सकते हैं।